भारत देश में सर्वप्रथम वार विश्व में सर्वप्रथम गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर खाते 8मी वार्षिक इंटरपार्क कॉन्फ्रेंस नो आयोजन करवामां आव्युं, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साथे अन्य मंत्री सचिव पण हाजर रह्या हता। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पॉलिस एकेडमी कॉन्फ्रेंस ने खुल्ली मूकीने प्रेरक मार्गदर्शन आपवामां आव्युं। आ उपरांत इंटरपार्कना प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर इल्माज कोलर कीनोट एड्रेस आपशे, तेम यूनिवर्सिटीना रजिस्ट्रार द्वारा जणावायुं छे। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हॉल खाते योजनारा त्रिदिवसीय कॉन्फरन्स में 36 देश 100 जेटला सीनियर पुलिस अधिकारी भाग लेना है। आ कॉन्फरन्स में साइबर सिक्योरिटीज एंड कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम थीम पर चर्चा विचारणा करवामां आवशे। साथे साथे कॉन्फरन्स दरमियान उज्बेकिस्तानी एकेडमी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मंगोलियानी लॉ एन्फोर्समेंट यूनिवर्सिटी और रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान कारागांडी एकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेर्स द्वारा GFSU साथ MOU करवामां आव्या। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोलिस एकेडमी ए दुनिया में आवेली पोलिस एकेडमीज और तेने समकक्ष सुरक्षा क्षेत्र कार्यरत संस्थाओं विश्वभरनो एसोसिएशन है, जेनी स्थापना तारीख 2 जुलाई 2011 रोज इस्तंबूल में थी थी, जेमा यूरोप, एशिया, आफ्रिका और लेटिन अमेरिका जेवा देशों जेवा के भारत, मलेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, उज्बेकिस्तान वगैरह कुल 56 देश ना कुल 72 सभ्यों छे। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आ इंटरपानी सभ्य छे, जेनो उद्देश्य पोलिस तालीम अने शिक्षण क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय कक्षाए कम्युनिकेशन एंड कॉलेबोरेशन नु प्लेटफॉर्म पूरु पाडवानो छे। 8मी वार्षिक इंटरपा कॉन्फरन्स में सीनियर पोलिस अधिकारी, पोलिस एकेडमी ना वड़ाओ, पोलिस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूटना वड़ाओ भाग लेना छे। आ कॉन्फरन्स में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल एविडेंस, हेट क्राइम ऑन साइबर स्पेस, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी इन कॉम्बेटिंग क्राइम्स, मॉडर्न टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ कॉम्बेटिंग साइबर क्राइम्स, टैकलिंग डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया वगैरह जेवा विषयों पर तलस्पर्शी चर्चा विचारणा करवामां आवशे। आजना साइबर वर्ल्ड में साइबर ने लगता गुनाओ देश ने तेनी विविध संस्थाओं माटे गंभीर प्रश्न बनी गयो छे। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ए क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सीस्टम ने सुदृढ़ बनावा बॉर्डर पोल, एशियन पोल, इंटरपा वगैरह संस्थाओं साथे जोड़ाण करीने विश्वभरना पोलिस अधिकारियों ने सतत तालीम आपवानी तेमज फॉरेंसिक सुविधाओं उपलब्ध करवानी कामगिरी करी हती, जेने कारणे खूब ज टूंका समय में GFSU ए आंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी छे। जेने ध्यान में लईने इंटरपा कमिटी 8मी वार्षिक इंटरपा कॉन्फरन्स ना आयोजन माटे GSFU गांधीनगर ने पसंद करी छे। देशनी प्रति पोलिस एकेडमी એમના દ્વારા જે સંગઠન થયું છે ઇન્ટરપા નામ છે, એ ઇન્ટરપાની 8મી કોન્ફરન્સ આજે ભારતને મળી છે અને ભારતમાં પણ ગુજરાતને એકમાત્ર વિશ્વની ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી એમાં આ ઇન્ટરપા કોન્ફરન્સ આજે ઘણા બધા દેશોના પોલીસ એકેડેમીના બધા ચીફ પોલીસ આગેવાન બધા અહીંયા આવેલા છે, 3 દિવસની કોન્ફરન્સ થશે, વિશેષ સાયબર ક્રાઇમ એ વિષય ઉપર વધારે ગહન ચર્ચા કરીને માનવ જાતના કલ્યાણ માટે અને સાયબર ક્રાઇમમાં લોકોને કેવી રીતે બચાવવા એ માટે વિશે ચર્ચા ચિંતા કરશે અને પોલીસ દ્વારા લોકોને વધુ કેમ ઉપયોગી બની શકાય અને ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કંટ્રોલ કરી શકાય એ પ્રકારની આ 8મી કોન્ફરન્સ આજે ગાંધીનગર ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં આપણે ઉદઘાટન થયું છે અને 3 દિવસ કોન્ફરન્સ ચાલશે અને માનવ જાતના કલ્યાણ માટે ચર્ચા વિચારણા કરશે। જયેશ પ્રજાપતિ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ ગાંધીનગર।